अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक डिश टाइम। आज की मेरी रेसिपी है सिंपल आंध्रा स्टाइल फिश फ्राई। हम इसे बहुत ही सिंपल वे में फ्राई करेंगे विद वेरी लेस इंग्रेडिएंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबा दें और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिलती रहें। एंड प्लीज़ डू शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम्स पॉम्फ्रेट फिश ली है, बोनलेस है ये। इसको हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके लिए देखिए मैंने एक नींबू का रस ले लिया है और 1 टेबल स्पून बेसन ली। उसको अच्छे से हम इस पर रब करेंगे। इससे क्या होता है कि सारी जो फिश की स्मेल होती है वो उससे चली जाती है। बहुत सारे लोग फिश की स्मेल आने से फिश को नहीं खाते हैं। इस तरीके से एक बार ट्राई करें तो फिश में स्मेल नहीं है। 5 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद अच्छे से रनिंग वाटर में फिश को वॉश करूँ। ये देखिए फिश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं सॉल्ट ऐड करूँ, 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सारे मसालों को हम अच्छे से, एक नींबू का रस है ये, इसमें मैं मिक्स कर दूँ। देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इसको रब कर दिया है। अब इसको हम 15 मिनट्स के लिए रेस्टिंग टाइम देंगे। देखिए 10 टू 15 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया। ऑयल को गरम होने के लिए रख दिया है मैंने। चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। ब्रोकन करी लीव्स में से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और कुछ कटी हुई ग्रीन चिली। इसी तरह मैं अब सारे फिश के पीसेस को फ्राई कर लूंगी, फिर आपको सर्व करके बता दूंगी। ये देखिए फिश को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस पर से हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, ये स्प्रिंकल कर। अच्छे से इसको टॉस कर दूंगी मैं और फिर आपको सर्व करके बताऊंगी। सर्व कर दिया है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।